90 के दशक में कई बेहतरीन एक्ट्रेस रहे, फिर चाहे बात लीड एक्टर की हो या फिर विलेन की, उन दिनों जितने बेहतरीन हीरो थे उनसे कम चर्चे विलेन के नहीं होते थे। कई कई बार तो एक्ट्रेस विलेन के रोल को अपने अभिनय से दमदार बना देते थे और हीरो पर भारी पड़ जाते थे। जब उस जमाने के पॉपुलर विलेन की बात आती है तो इसमें अमरीश पुरी, ओम पुरी, आशीष विद्यार्थी जैसे एक्ट्रेस का जिक्र खूब होता है। इसी में से एक एक्ट्रेस सदाशिव अमरा पुरकर भी रहे हैं। उन्होंने ना केवल नेगेटिव बल्कि दोस्त, बाप, भाई और अन्य किरदारों में भी दर्शकों का दिल जीता, लेकिन उन्हें महारानी के किरदार से जाना जाता था। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि अंत में उनके दो सपने कभी पूरे नहीं हुए। ऐसे में चलिए इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। सदाशिव अमरा पुरकर ने स्क्रीन पर दर्शकों का खूब दिल जीता था। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को खूब गुदगुदाया और उनका खूब खून भी जलाया था। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी लोगों के जहन में अपने अभिनय की वजह से वे जीवित हैं। उनसे जुड़ी तमाम यादें और फिल्में हैं। सदाशिव को बचपन से ही एक्टर बनना था। उनके अंदर एक्टिंग का ऐसा कीड़ा था जो कभी निकला ही नहीं। इसे खत्म करने के लिए पिता ने लाख कोशिशें की थी, कमरे में बंद किया, शादी करा दी। फिर भी सदाशिव ने कहा था, आप रोकेंगे तो भी नहीं रुक पाऊंगा। सदाशिव गुजरात के अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 11 मई 1950 को हुआ था। वो हमेशा ही थिएटर में दिलचस्पी रखते थे। एक्टिंग उनके रगों में दौड़ती थी। उन्हें फिल्मों में पहला मौका गोविंद निहलानी की फिल्म अर्थ सत्य से मिला था। इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिल चुका था। एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुद को लेकर बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो नाटक लिखा करते थे और उन्हें परफॉर्म भी किया करते थे। उन्होंने बताया था कि एक्टिंग उनकी सांस थी, वो इसके बिना रह नहीं सकते थे। उनके पिता ने उन्हें नाटक करने से काफ़ी रोका, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी हो गए थे, तब तक वो सिर्फ नाटक ही करते रहे। लेकिन फिल्मों में आने से पहले सदाशिव को लेकर बताया जाता था कि वो नासिक में ऑटो भी चलाया करते थे। सदाशिव ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म अर्ध सत्य से की। इसके बाद उन्होंने हुकूमत, ऐलान जंग, सड़क, छोटे सरकार जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। हालांकि उन्हें सड़क में किन्नर महारानी के किरदार के लिए जाना गया, जिसके बाद बॉलीवुड में उनकी पहचान महारानी बनकर ही रह गई। सदाशिव ने अपने इस किरदार से इतिहास रच दिया था। उनका ये रोल ना केवल लोगों को बल्कि अमरीश पुरी तक को खूब पसंद आया था। अमरीश पुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सदाशिव से अच्छा ये किरदार कोई नहीं निभा सकता था। इसके लिए बेस्ट विलन का अवार्ड भी सदाशिव को मिला था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जाता है कि एक्टर सदाशिव अमरा पुरकर के दो सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाए। अगर उनके उन सपनों की बात करें तो बताया जाता है कि इसमें पहला सपना था कि वो अपने गांव अमरापुर में एक घर बनाकर अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिताना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इतना ही नहीं, इस बात का भी दावा किया जाता है कि वो अपने ही गांव में एक म्यूजियम भी खोलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उनका ये सपना भी अधूरा ही रह गया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।